स्वास्थ्य सेवा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नर्स ऑफिसर्स जो अपनी मांगों को लेकर विगत 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर सिविल अस्पताल की करीब 17 नर्स ऑफिसर हड़ताल पर चली गई है। ऐसी स्थिति में अस्पताल के प्रसव केंद्र इमरजेंसी सेवाएं ठप रहेगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे स्थिति बिगड़ने की संभावनाएं हैं। हड़ताल को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि हम अपने अधिकारों को लेकर विगत 2018 से सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, मांगे पूरी नहीं की जाती है। इसलिए अब हम प्रदेश भर संविदा स्वास्थ्यकर्मी नर्स ऑफिसर्स सभी एक साथ हड़ताल पर है। इसलिए हड़ताल पर जा रहे हैं हम लोग। जितने भी मध्य प्रदेश के जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी मांगे हैं, वो 15 तारीख से जो संविदा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो हड़ताल पे हैं, और अभी हम लोग 21/12/2022 से हम लोग भी नियमित कर्मचारी जो है हड़ताल पे जा रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है कि हम चाह रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि जो भी संविदा वाले जो कर्मचारी हैं, जो लंबे समय से संविदा पर ही कार्य कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग को जो हम नाइट ड्यूटी करते हैं, वो हमारा नाइट अलाउंस हमको मिलता नहीं है, तो मिला जाए। तीसरी चीज़ कि हम लोग का जो 40 रुपये ग्रेड पे की जो मांग की थी हमने, जो पिछले साल हम लोग ने किया था वो हड़ताल, उस पर मांग की गई थी, लेकिन हमारा पदनाम चेंज किया गया, बट हमारे ग्रेड पे में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। तो हम चाहते हैं कि वो मांग हमारी सबसे बड़ी और सबसे अहम है, उसको पूरा किया जाए। अभी इसके पहले 15 तारीख से हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी जो है वो साढ़े हड़ताल पे चले गए थे, जिसमें कि ऑफिस वर्कर्स और स्टाफ नर्स वगैरह सब थी। और अभी आज जो रेगुलर कर्मचारी में जो स्टाफ नर्सेज हैं, वो 21 तारीख से समस्त नर्सिंग स्टाफ मध्य प्रदेश का, साथ में सिविल अस्पताल वगैरह का हड़ताल पर जा रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हानि होने वाली है। अगर ये सब हड़ताल पर जाते हैं तो हमें अपनी OPD सर्विसेज बंद करके सिर्फ इमरजेंसी सेवाएँ चालू रखनी होंगी, और हमारी मेटर्निटी सर्विस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी, क्योंकि ये जो है वो बैकबोन होता है किसी भी अस्पताल का, जितनी भी स्टाफ नर्स होती है, इनके जाने से बहुत बड़ा लॉस होगा। तो हमारी तो बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जितने जल्दी हो सके इनकी मांगों को समझा जाए और ये हड़ताल खत्म करवाई जाए। पीपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।